कहा जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन बादली विधानसभा की एक कॉलोनी ऐसी भी है जहां लोग बिना जल के नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। बादली विधानसभा की गुरु नानक देव कॉलोनी, जहां लोगों ने आज तक कभी विधायक को देखा ही नहीं, यहां तक कि यहां के लोगों को बादली के विधायक का नाम तक सही से नहीं मालूम है, क्योंकि उनकी समस्या का निवारण करने के लिए कभी यहां पर कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया। हैरानी की बात यह है कि केजरीवाल सरकार एक तरफ तो फ्री पानी देने का दावा करती है, वहीं इस कॉलोनी में जल बोर्ड की पाइपलाइन तक नहीं बिछी है। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जब यह लोग सरकारी टैंकर पीने के पानी को भरने के लिए मांगते हैं तो उनसे पैसों की मांग की जाती है। इस कॉलोनी के हर घर के बाहर आपको नीले ड्रम दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ लोग पीने का पानी खरीदकर इस्तेमाल करने के लिए मजबूर है। लोगों का कहना है कि इससे तो कहीं अच्छा बिहार और यूपी का गांव है, जहां कम से कम मूलभूत सुविधाएं रखा हुआ है नीले रंग का, क्या वजह है? तो पानी कंकर का मंगाते हैं पैसा से, अपना पैसा से मंगाते हैं सर। ऐसा किसको देते हैं? तो कंकर वाला लेके जाता है, तो पानी लेकर आता है। यहाँ पानी घरों में नहीं है? नहीं नहीं है, बर्मा सब लगा रखे है, लाइट भी नहीं है, लाइट के लिए सब इतना जाते तार नहीं देख रहे कितना सारे है यहाँ नीचे हुए, दूसरे दूसरे से लेते हैं 15-20 रुपए यूनिट लेते हैं सब लाइट। पानी जो आप लोग लेते हैं वो किससे लेते हैं? वो पानी वही टैंकर वाला लेके आता है, वो लेके जाता है ड्राइवर को देते हैं। केजरीवाल जी कर तो फ्री में पानी है सबके लिए, वो पता ना, हम लोग का तो फ्री में देते नहीं, हम लोग का नहीं। पानी की भी यहाँ व्यवस्था नहीं है, सबके घरों के बाहर ड्रम रखा हुआ, कैसे काम चलता है? वही चल रहा है, जैसे हम लोग दूरी दूरी से पानी ला करके खाना बनाते हैं, अब क्या करेंगे, हमारे खरीद खरीद करके पानी से काम चला रहे हैं, और कपड़े कैसे खरीदते हैं वही टैंकर से आता है, तो वही मैं पैसे दे करके खरीदती हूँ, और कैसे खरीदेंगे? कौन सा सरकारी टैंकर? सरकारी टैंकर पैसा क्यों नहीं, जब यहाँ पर कोई सुविधा नहीं दिए है तो फिर तब 300 रुपया दे करके लाते हैं टैंकर, तो फिर तब पैसे दे करके लाते हैं टैंकर, वो फोन करते करेंगे तो फिर पैसे दे करके लाता है टैंकर, ऐसे खाली फ्री वाला आता नहीं है यहाँ पर, जल बोर्ड वाला। हाँ जल बोर्ड वाला, जब यहाँ का कुछ सुविधा नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, मरेंगे तो नहीं बिना पानी के? ये तो बता रहे थे फ्री पानी, तो जिसके लिए फ्री है उसके लिए, हमारे लिए तो फ्री नहीं ना, हमारे लिए तो कोई सुविधा है ये नहीं, तो फिर हमारे लिए फ्री कैसे है? जिसके लिए जिसके घर में पानी लगा हुआ है, जिसके पास कॉलोनी, उसके लिए फ्री, हमारे लिए फ्री कहाँ है? चुनाव आएगा तब आएंगे आप लोगों के पास, कैसे स्वागत करेंगे? वही से स्वागत करेंगे, जूता चप्पल से स्वागत करेंगे, और कैसे स्वागत करेंगे? अब हमारे साथ बुरा हो रहा है तो उनको साथ भी बुरा होना चाहिए, आप कैसे स्वागत करेंगे? अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, बच्चे के लिए सुविधा न, बड़े के सुविधा न, छोटे के सुविधा है, कुछ के सुविधा है नहीं यहाँ पर, हम सब हर पानी की भी दिक्कत है यहाँ, सब चीज की दिक्कत है भैया। भैया टैंकर का रेट भी बता रहे, छोटा टैंकर बड़ा टैंकर 300, छोटा वाला 200, बड़े वाला 500 लेते है ना, किस चीज का? पानी लेके आएंगे तो कहेंगे गली है तुम्हारे घर पर लगाऊंगी, 10 गो बात सुनाएंगे, बार बार क्यों कंप्लेन करते हो, प्राइवेट है कि बार बार फोन करते हो, हमारा मर्जी है, पैसा लेते हैं। हाँ पैसा आप लोग इकट्ठा करके देते हैं? हाँ देते है? आप दो जनी मंगाए तो 250 दे, आप चार आदमी मंगाए तो 100 रुपया करके देंगे, ये सरकारी टैंकर। हाँ आप पानी पूरा न भर पाते हैं, एक टंकी भरा टैंकर वाला खुद के लिए पाइप ले ही भाग जाएगी। सर क्या हालात है बिना बिजली? सर यहाँ पर हम 5 साल से रह रहे हैं और यहाँ पर ना तो लाइट है, ना पानी है, ना किसी की कोई सुविधा है। जैसे यहाँ पर 6 बजेंगे वैसे यहाँ पर दुनिया भर के चोर घूमने लगेंगे, नशेड़ी आने लगेंगे, किसी को लेडीज कोई आ रही है उसके चैन खींच लेंगे, किसी को थप्पड़ मारकर मोबाइल छीन लेंगे, कुछ भी सामान होगा, जैसे अंधेरा हो जाएगा जी, इतना अंधेरा हो जाता है कि आप शाम को 6 बजे बाद निकल नहीं सकते, आप खुद ही डरोगे मतलब यहाँ से जाएं या ना जाएं, ठीक है ना। और लाइट आइट के लिए कुछ करता नहीं, विधायक के पास जाओ तो वो भी हाथ हिला देता है, टीम से शर्मा पास के जाते हैं तो वो भी कुछ नहीं कहती है, कहती है करेंगे कुछ। अजय से यादव जी, विधायक दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार बोली कि बिजली पानी फ्री है, तो फ्री के नाम पे फ्री कर रखा है, वो देते थोड़ी कुछ, बस बोल दिया फ्री है, ठीक है, जब है नहीं तो देंगे कहाँ से, फ्री कर रखा उन्होंने उसका लिए। तो ये गाँव से भी बुरे हालात? गाँव से तो गाँव में तो बहुत अच्छी तरीके से रहते थे, यहाँ तो पता नहीं कहाँ रह रहे नरक में, बस चुनाव आने वाला है क्या करें, कैसे स्वागत करेंगे? स्वागत क्या करेंगे, जो हमको काम ही नहीं करके दे रहे तो हम उनको वोट किस काम ले देंगे?
जो हमारे बच्चे कैसे पढ़ते हैं, बच्चे सर दिन दिन में पढ़ते हैं, रात जैसे शाम हो जाएगी 6 बजे अंधेरा हो जाएगा तो फिर अब सो जाएंगे बच्चे और क्या करेंगे। मोमबत्ती से पढ़ते हैं या मोमबत्ती जला लेते हैं, जिसको 10वीं के बच्चे या 12वीं के बच्चे हैं तो मोमबत्ती का यूज करते हैं। सर क्या यहाँ पे बिना बिजली के आप लोग कैसे रहे? सर यहाँ बहुत बुरा हाल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा पानी भरा पड़ा, यहाँ पे गली खराब है और अभी मच्छर लाइट वाइट भी नहीं, यहाँ पे लगी हुई है बिजली बिजली है नहीं, यहाँ ट्रांसफार्मर ही नहीं है। कितने साल हो गए इस साल? 5 साल हो गए। कैसे रह रहे हैं सर? मोबाइल है, बच्चों की पढ़ाई से कैसे चल रहा है? सर चलते अब यहाँ कमल विहार से लाइट ले रहे हैं 10 यूनिट 12 यूनिट मांग मांग के चार्ज करके। तो ये यहाँ ये विधानसभा कौन सी है, विधायक कौन है, आप अभी आए? यहाँ के विधायक हैं अजय यादव विधायक है, निगम पार्षद पिंची शर्मा है आम आदमी पार्टी। तो कभी उनसे आपने शिकायत की? गए वहाँ पे इतनी 5-6 बार गए, सुनते ही नहीं, जाते सुनते नहीं हमारी। विधायक आएंगे चुनाव आने वाला है तब क्या करेंगे? आएंगे तो वोट जो करे उसे वोट देंगे।